विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्म सभा के तैयारियों संबंधित बैठक कचहरी बस स्टेशन स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में महानगर मंत्री मुकुंद शुक्ल, सह प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण त्रिपाठी, विभाग सुरक्षा प्रमुख मनोज गौड़, महानगर उपाध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह, महानगर संयोजक देवी लाल गुप्ता, महानगर संयोजिका माया गुप्ता, रूप रानी स्वीटी गुप्ता, विनीता पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में राम मंदिर निर्माण के मुद्दों को लेकर अयोध्या में 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्म सभा में पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने कहा कि सरकार को हिंदू समाज के जन भावनाओं से अवगत कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में विहिप के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर महानगर की बैठक है। 25 नवंबर को अयोध्या में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर किया जाए और उसके लिए यह बैठक बुलाई गई है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ हजारों की संख्या में लोग गोरखपुर से अयोध्या में पहुँचें और उस दिन विशाल धर्म सभा में सहभागी हों और सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह संदेश दें कि 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, क्योंकि हिंदू समाज अपना जो है धैर्य अगर खो दिया तो धैर्य खोने के बाद काफ़ी असंतोष उत्पन्न होगा। इसलिए हिंदू समाज के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्र में संसद में कानून बना करके और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, यही विषय लेकर के आज की यह बैठक यहाँ बुलाई गई है और इस बैठक में हम सब अयोध्या चलने के लिए योजना बना रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग जाने वाले हैं यहाँ। अभी तो ये बैठक आपको केवल गोरखपुर महानगर की दिखाई दे रही है, इसके बाद खंडों में सब जगह बैठकें चल रही हैं और कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं और सब के सब हिंदू समाज इसमें सहभागी बन रहा है भारी से भारी संख्या में। इसलिए वहाँ उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे अयोध्या में।